हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सूरजपुरा धाम कहाँ पर स्थित है और दोस्तों आप इस सूरजपुरा धाम कैसे जा सकते हैं और दोस्तों यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से गांव में है, मैं आपको दोस्तों सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आप और ये भी बताएंगे कि इसमें यहाँ पर जाकर के कौन कौन सी बीमारियों का इलाज ठीक होता है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बताया नहीं जाता कि आपको ये समस्या है वो समस्या है ये सब, लेकिन यहाँ पर इसका निवारण भी किया जाता है। तो दोस्तों सूरजपुरा धाम के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आप बनाइए वीडियो में साथ में। और दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं बालाजी हनुमान के, जय बालाजी, कमेंट्स बॉक्स में लिखें और आप देखें कि सूरजपुरा धाम कैसे जाएँ। दोस्तों यदि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको सूरजपुरा धाम जाने के लिए बस या ट्रेन पन्ना जिले के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, दोस्तों पन्ना डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही फेमस है जो हीरों की खदान के लिए भी जाना जाता है, तो आप जानते होंगे ये मध्य प्रदेश में है। उसके आसपास जितने भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं जैसे खजुराहो, सतना, कटनी और छतरपुर, वहाँ पर आकर आपको बस द्वारा सुनवानी कला आना होगा। ठीक है, सुनवानी कला आना होगा, एक कस्बा है उसी के बगल में सूरजपुरा धाम स्थित है। सर कोई जानता है, किसी से पूछोगे आप बता देंगे, वहाँ पर दरबार लगता है बहुत ही भव्य। यदि आप हवाई जहाज़ से आते हैं, अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आपको खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा, पर वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और सूरजपुरा धाम आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज तुरंत के तुरंत ठीक किया जाता है। तो देखें दोस्तों सूरजपुर में किस बीमारियों का इलाज ठीक किया जाता है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज करा के थक चुके हैं, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है, तो आप सूरजपुरा धाम एक बार जरूर सूरजपुरा धाम आकर जरूर आएँ। सूरजपुरा धाम के बाबा जी का वीडियो देखने से आपको पता चल गया होगा, वह कैंसर, लकवा, मिर्गी, ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, छोटी छोटी और छोटी भी बीमारी होंगी उसका भी इलाज तुरंत के तुरंत सही करते हैं और भूत प्रेत बाधा का भी सही करते हैं। दोस्तों सूरजपुरा धाम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज तहसील के अंदर सूरजपुरा गांव में स्थित है और यहां पे आशीर्वाद मिलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा।